हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दीक्षांत सर्टिटेक। आई एम ज्योति, योर मैथ टीचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर मैथ सब्जेक्ट टॉपिक कंपैरिजन। कंपैरिजन, इस कंपैरिजन जो हम लोग अभी जो टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे हैं उसका पहले भी हम लोगों ने उस पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें हम लोग कंपेयर कर चुके हैं, जैसे बिग, स्मॉल, थिक, थिन, लॉन्ग, शॉर्ट। सो आज हम लोग और जो हमारे कंपैरिजन में हैं, जिन ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ें हैं उनमें हम लोग कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ओके, कंपैरिजन, बिग, स्मॉल, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, थिक, थिक, थिन, थिन, हैवी, हैवी, लाइट, लाइट, मोर, मोर, less, less, fast, fast, slow, slow, okay? So last video में हम लोगों ने big, small, long, short and thick and thin में comparison किया था। आज हम लोग heavy, light, more, less, fast and slow इसमें कंपैरिजन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करना है, हम लोग करेंगे कंपैरिजन विथ हैवी, लाइट। हैवी, हैवी का मीन्स होता है भारी, हैवी का मीन्स होता है भारी, और लाइट मीन्स हल्का, लाइट मीन्स हल्का। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे हैवी। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो पिक्चर है, यहाँ पर जितने भी एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, तो ये एनिमल्स जो हैं ये सभी वेट में बहुत हैवी हैं, वजन में बहुत भारी हैं, है ना? एक पिग का भी वजन बहुत होता है, बहुत हैवी होता है। हॉर्स, हॉर्स का भी बहुत वेट होता है, और एलिफेंट तो सबसे ज़्यादा इसका वेट होता है ना? तो यहाँ पर जो पिग है वो क्या है, वो हैवी है। हैवी मीन्स भारी, हैवी। बट हॉर्स जो है वो पिग से ज़्यादा बड़ा भी होता है, होता है ना? तो उसका वेट क्या होगा, पिग से ज़्यादा है, वो क्या है, हैवियर। क्या है, हैवियर। बट एलिफेंट, एलिफेंट का वेट इतना है इन दोनों से बहुत ज़्यादा है, और ये इन दोनों से बहुत ज्यादा भारी है, यानी हैवीएस्ट, हैवीएस्ट यानी सबसे ज्यादा भारी। यहाँ पर जितने भी एनिमल हैं उनमें ये हैवी है, ये भारी है। हॉर्स इससे ज्यादा भारी है, बट एलिफेंट जो है वो इन दोनों, यानी यहाँ पर जितने भी एनिमल है उनमें सबसे ज्यादा भारी है, तो वो है हैवीएस्ट। ये है हैवी, हैवियर, और ये है हैवीएस्ट। ठीक है, तो ये है हैवी, हैवियर, और ये है हैवीएस्ट। अब यहां पर भी जो पिक्चर है, यहां पर कुछ लकड़ी के जो ये डाल वगैरह हैं, तो ये भी जो होते हैं वेट में बहुत भारी होते हैं, भारी होते हैं ना? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन हैवी है, हैवियर एंड हैवीएस्ट है। तो ये जो है ये भी, इसका भी वेट होता है, तो ये हो गया हैवी, बट ये इससे थोड़ा बड़ा भी है और साइज में थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये हो गया इससे ज़्यादा भारी हो गया, तो ये हो गया
हैवियर, और ये इसका साइज जो है वो इन दोनों से बड़ा है, ज़्यादा चौड़ा भी है, मोटा भी है, और इन दोनों से अगर ज़्यादा चौड़ा और बड़ा भी है तो इसका वेट क्या होगा, इन दोनों से ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा भारी। ओके, तो ये हो गया हैवीएस्ट। क्या हो गया? हैवीएस्ट। अब इन तीनों लकड़ी में कौन सा, ये हो गया हैवी, ये हो गया हैवियर, और ये हो गया हैवीएस्ट। तो यहाँ पर भारी कौन है? दिस, उससे भारी ये, और सबसे ज़्यादा भारी ये। ठीक है, तो ये हो गया हैवी, हैवियर, और ये हो गया हैवीएस्ट। सो अभी हम लोगों ने कंपैरिजन किया था हैवी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? लाइट, लाइट मीन्स हल्का, लाइट मीन्स हल्का, हल्का। यहाँ पर जो पिक्चर है इसे देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा लाइट है, कौन ज़्यादा हल्का है। ओके, तो कंपैरिजन करना है हमें किस पे? लाइट, जो हल्का है। तो यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज़ों के पिक्चर हैं, वो सभी हल्की होती हैं, हल्की होती है ना। आप भी देखे होंगे कि आप बॉल खेलते हो तो बॉल क्या होता है? बहुत लाइट वेट होता है, हल्का होता है ना, इसका वज़न ही नहीं होता, कोई छोटा बेबी भी आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, बैलून, बैलून तो और भी हल्का होता है, उसे तो बस थोड़ा सा टच करो तो वो उड़ने लगती है। और यहाँ पर जो ये फर है, ये एक पंख है, वो तो ऐसे ही हवा में फूंक लगाने से ही उड़ने लगती है, उड़ने लगती है। तो यहाँ पर जितने भी जो ऑब्जेक्ट हैं वो सभी क्या हैं? हल्के हैं। क्या है? हल्के हैं। जो हल्का होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइट, लाइट, लाइट मीन्स हल्का, लाइट मीन्स हल्का। तो फर्स्ट बॉल जो है, ये बॉल, ये क्या है? हल्का है, यानी लाइट। क्या है? लाइट। बट बैलून जो है वो बॉल से भी हल्का है, बॉल से भी हल्का है। तो ये हो गया लाइटर। क्या हो गया? लाइटर। बट ये जो पंख है, ये जो, ये क्या है? ये इन दोनों से लाइट है, हल्का है, इन दोनों से, है ना। ये इसे फिंगर पे भी रखेंगे और फूंक लगाएंगे तो ये उड़ जाएगी, है ना। तो इन दोनों से क्या है? वो सबसे ज़्यादा हल्की है, तो उसे क्या बोलेंगे? लाइटेस्ट। क्या बोलेंगे? लाइटेस्ट। ये है लाइट, ये है लाइटर, और ये है लाइटेस्ट, यानी हल्का, उससे हल्का, और वो है सबसे हल्का। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइट। यहाँ साइज वाइज हम लोग देखते हैं कि कौन लाइट होगा, कौन लाइटर होगा, और कौन लाइटेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन हम लोग करेंगे। अगर सेम ऑब्जेक्ट है, सेम चीज़ वहाँ पर है, तो उनको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, उनका हैवी है या लाइट है, तो उनमें हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 2 3, थ्री बॉल्स हैं, है ना। तो थ्री बॉल्स में जब हम लोग देखेंगे तो उनका साइज़ हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। दिख रहा है ये वाला बॉल, ये और ये, इन तीनों के साइज़ में क्या है? थोड़ा सा अंतर है, है ना। तो बॉल क्या है? बॉल तो हल्की है, उसे हैवी नहीं बोल सकते, वो हल्की होती है। तो ये फर्स्ट वाली जो बॉल है, इसका साइज़ कैसा है? इतनी बड़ी है ना, बट इसका वेट क्या है? बहुत कम है। तो ये है लाइट। क्या है? लाइट। ये जो बॉल है, इसका साइज हम लोग देखते हैं
तो ये जो है इससे थोड़ी सी छोटी है, छोटी है ना, तो छोटी है तो ये इससे क्या होगी, हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी ना। तो ये हो गया लाइटर, ये हो गया लाइटर। बट ये जो लास्ट वाली जो बॉल है ये तो इन दोनों बॉल से छोटी है, छोटी है ना, ये वाली बॉल इन दोनों बॉल से छोटी है, यानी इसका वेट इन दोनों से बहुत कम होगा, यानी ये सबसे ज़्यादा हल्की होगी। तो ये हो जाएगी लाइटेस्ट, क्या हो जाएगी, लाइटेस्ट। तो ये हो गया ये लाइट, लाइटर, और ये हो गया लाइटेस्ट, हल्का, उससे हल्का और सबसे हल्का। यहाँ पर सबसे हल्का कौन है, दिस, ओके। ओके, सो हैवी, हैवी का मीन्स होता है भारी, और लाइट, लाइट का मीन्स होता है हल्का। तो हैवी और लाइट में हम लोगों ने अभी, और लाइट ऑब्जेक्ट हैं उनको हम लोगों को चूज करना है, ओके। और यहाँ पर हम लोग करेंगे कंपैरिजन, यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ फ्रूट्स हैं, यहाँ एनिमल, यहाँ पर किचन के कुछ सामान हैं, है ना। तो इनमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है सर्कल द हैवीएस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ये जो जितने भी ये थ्री लाइंस के में जितने भी पिक्चर्स हैं उनमें हम लोगों को हैवीएस्ट, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी जो है ऑब्जेक्ट उसको चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों को क्या दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहे हैं, ये सारे फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन, मैंगो, लीची, है ना। तो इन सभी फ्रूट्स को हम लोगों ने खाया भी है, है ना, खाया है, तो उनका साइज भी हम लोगों ने देखा है। वाटरमेलन को इस तरह से हाथ में लेकर के नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसका साइज जो है वो बड़ा होता है और वो हैवीएस्ट होता है, थोड़ा भारी होता है, है ना। मैंगो, मैंगो को हम लोग एक हाथ में लेकर के खा सकते हैं। लीची, लीची को तो टू फिंगर्स से भी पकड़ के खा सकते हैं, है ना, टू फिंगर्स से भी पकड़ के खा सकते हैं। तो इन तीनों में, इन तीनों फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स को खाने में थोड़ी मुश्किल होगी, कौन सा फ्रूट सबसे भारी है। सो वाटरमेलन, वाटरमेलन को पूरा हम लोग लेकर के नहीं खा सकते, उसे पीस में कट करना पड़ता है ना। तो लीची जो है वो भारी है बट उसको तो हाथ में ले सकते हैं, मैंगो भी है बट वाटरमेलन जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ भारी है, ये हैवी है, ये हैवियर, और ये है हैवीएस्ट, यानी सबसे भारी। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर एनिमल्स हैं और इनमें भी हम लोग क्या करेंगे, हैवीएस्ट यानी सबसे भारी जो है उसे चूज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को क्या दिख रहा है, एलिफेंट, नेक्स्ट रैट, और ये डॉग, ओके। तो रैट का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, डॉग का वेट है, बट एलिफेंट जो है वो यहाँ इन दोनों से बहुत ज़्यादा हैवी है ना। तो अगर ये बोलेंगे कि ये हैवी है, कि हैवियर है, तो एलिफेंट क्या है, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट। तो यहाँ एलिफेंट क्या है, हैवीएस्ट। नेक्स्ट, यहाँ किचन में जो हम लोगों को ये सामान रहते हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो देखना है कि इनमें हैवीएस्ट कौन है, कौन सबसे ज़्यादा भारी है। तो मैच बॉक्स है, गैस स्टोव है, और ये गैस सिलेंडर है, ओके।
तो मैच बॉक्स जो है वो एक हाथ से उठा सकते हैं, उसे जलाना पड़ता है, ये हैवीएस्ट नहीं है। गैस स्टोव को भी हाथ से उठा सकते हैं, बट सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इन तीनों में हैवीएस्ट कौन है? दिस गैस सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पर इन फ्रूट्स में वाटरमेलन हैवीएस्ट, इन एनिमल्स में एलिफेंट हैवीएस्ट, और यहाँ किचन की जो चीजें हैं उनमें गैस सिलेंडर। ओके, तो ये हैवीएस्ट है। अब क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना हैवी एंड लाइट। यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं और हम लोग को कंपेयर करना है किसमें, सॉरी, हैवी और लाइट में कंपैरिजन करना है। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या यहाँ पर करना है, हम लोगों को विच ऑब्जेक्ट इज हैवी, विच ऑब्जेक्ट इज हैवी, हैवी मीन्स भारी। अब यहाँ पर टू देखो पिक्चर्स है, यहाँ पर एक पम्पकिन है और एक एप्पल है। पम्पकिन का साइज क्या होता है, इतना बड़ा सा होता है ना, और एप्पल का साइज इतना बड़ा, तो कौन हैवी होगा? पम्पकिन। यस, तो पम्पकिन क्या हैवी और एप्पल क्या है? लाइट। ओके, तो यहाँ पर प्लेट है और एक टेबल है, तो प्लेट हैवी है या टेबल? प्लेट तो हम लोग हाथ से उठा सकते हैं, ये बहुत पतली सी है और ये थोड़ी मोटी है, तो पतली वाली का वेट ज्यादा होगा कि मोटी वाली का? मोटी जो है ना, जो थोड़ी बड़ी भी है और थोड़ी मोटी भी है, तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। तो इन दोनों पिंस में कौन ज्यादा हैवी है? दिस। यहाँ पर क्या है, टू फिश है, एक वेल है और एक एक नॉर्मल फिश है। वेल फिश का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, तो बहुत बड़ा होगा तो उसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा, और ये नॉर्मल फिश तो हाथ से उठ जाएगी, तो कौन हैवी होगा? यस, वेल। यहाँ पर एप्पल और पम्पकिन में पम्पकिन हैवी है, टेबल और प्लेट में टेबल हैवी है। यहाँ टू पिन है, पिन में ये वाली पिन हैवी है, वेल एंड नॉर्मल फिश में वेल हैवी है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, विच ऑब्जेक्ट इज लाइट, विच ऑब्जेक्ट इज लाइट, यानी हल्की हल्की कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पिक्चर्स देखते हैं और फिर उनमें कंपेयर करेंगे कौन लाइट है। ओके, तो यहाँ पर एक पंख है और एक ये पेड़ है ना, एक ट्री है और एक फर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, लाइट, लाइट मीन्स हल्का, जो हल्का है उसे टिक करना है। तो ये फर है और ये ट्री है, फर लाइट है या ट्री? फर। यस, ये हो गया। यहाँ कार है और एक साइकिल है, तो कार लाइट है या साइकिल? कार तो बहुत हैवी होती है और साइकिल तो बच्चे भी चलाते हो, है ना, तो ये हो गया साइकिल लाइट। यहाँ पर एक पेपर है और एक बॉल है, तो बॉल भी लाइट होता है, बट पेपर जो है वो क्या है, वो बॉल से लाइट है, उसके सामने बॉल तो हैवी हो जाएगा, है ना, तो पेपर क्या है, लाइट। एक कप है और एक बैलून, तो कप लाइट है या बैलून? बैलून।
ये हो गया हमारा हैवी एंड लाइट। यहां भी है, हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसमें, हैवी एंड लाइट में। ओके, कंपैरिजन हैवी एंड लाइट। सो ये हो गया हमारा लाइट और ये हो गया हैवी। ये हो गया हमारा हैवी और ये बनाना हो गया लाइट। ये एप्पल है, ये क्या है, लाइट। और ये वाटरमेलन हैवी। साइकिल लाइट और ये ट्रक हैवी। ओके, तो ये इस तरह से हैवी एंड लाइट में हम लोग कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को कंपेयर करना है मोर एंड लेस। मोर एंड लेस कंपैरिजन, मोर एंड लेस। मोर मीन्स ज्यादा और लेस मीन्स कम। अब यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ टू ट्रीज है, एक ट्री पर बहुत सारे एप्पल्स हैं, है ना, और दूसरे पे कुछ, हम लोग काउंट भी कर सकते इतने कम है, है ना। तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, किस पे ज्यादा है, दिस। और लेस यानी कम कहाँ है, यहाँ। सो मोर का मतलब होता है ज्यादा, लेस मीन्स कम। जहाँ ज्यादा है, ठीक है, और किस में कम है, यहाँ। अब यहाँ पर दो बकेट हैं, सॉरी बास्केट हैं। बास्केट में हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रूट्स देख रहे हैं। तो किस में मोर है, किस में ज्यादा है, इस वाले जो बास्केट में बहुत ज्यादा है, है ना। इस वाले बास्केट में फ्रूट्स कहाँ है, ज्यादा है, और इसमें वन टू, यानी ये जो बास्केट है इसमें फ्रूट्स इस बास्केट से कम है, लेस है। तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, लेस मीन्स होता है कम। किसमें फ्रूट्स ज्यादा है, इसमें, और किसमें कम है, यहाँ। तो ये हो गया मोर यानी ज्यादा, लेस मीन्स कम। ओके, तो मोर का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मीन्स होता है कम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहां पर टिक द बॉक्स ऑफ द ग्रुप दैट हैज मोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेम जो ऑब्जेक्ट है उनके पिक्चर्स हैं, बट एक बॉक्स में मोर है और एक में लेस है। तो हमें क्या करना है, हमें मोर ऑब्जेक्ट जिसमें है यानी जिसमें ज्यादा है वहाँ हम लोगों को टिक करना है। तो यहाँ पर फिश है, यहाँ काउंट करेंगे वन टू थ्री और यहाँ पर वन टू, तो ये वाला हो गया मोर। यहाँ पर रैबिट है, यहाँ काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हो गया मोर यानी ज्यादा। यहाँ पर फ्लावर है वन टू थ्री फोर और यहाँ वन टू थ्री, यानी ये है मोर। नेक्स्ट यहाँ पर किसके पास, यहाँ करना है हमें फाइंड आउट मोर एंड लेस इन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो भी ज्यादा है उसे हम लोग ढूंढेंगे। तो इसके पास टू बैलून्स है और इसके पास सिक्स बैलून्स है, तो इसके पास क्या है, ज्यादा है, मोर। यहाँ पर टू केक्स है और यहाँ पर बहुत सारे हैं, यानी यहाँ ज्यादा है।
मोर, यहां डोनट्स, यहां पर लेस है और यहां पर मोर, और यहां पर फिश है, इस टैंक में लेस है और इस टैंक में मोर। ओके, तो ये हुआ हमारा मोर एंड लेस। यहां हम लोग क्या करेंगे, टिक द ग्रुप विच हैज मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसमें ज्यादा है। अब यहां पर ये देखना है और ये वाले को, ठीक है, तो इस टर्टल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहां 1 2 3 4 5, तो किसमें मोर है किसमें ज्यादा है, दिस, इसे हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ बैलून है, वहां बॉल है, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बैलून मोर है और बॉल लेस। यहाँ पर है बनाना, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ है एप्पल, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 5 है वहाँ 7 है, तो कौन मोर हुआ, एप्पल है। बट टर्टल जो है वो चलता है उससे स्लो, कैमेलियन चलता है और धीरे, स्नेल सबसे धीरे, ठीक है, तो ये है स्लो, टर्टल जो है वो है स्लो यानी धीमा, कैमेलियन स्लोअर और स्नेल स्लोएस्ट, सबसे धीमा, ठीक है, तो ये है स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। यहां हम लोगों को क्या करना है, टिक द ऑब्जेक्ट विच आर फास्ट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच आर स्लो। अब ये दोनों हम लोग देखेंगे, इसमें कौन फास्ट है, एरोप्लेन कार, एरोप्लेन फास्ट है, कार स्लो है, साइकिल ट्रेन, साइकिल ट्रेन, ट्रेन यहां फास्ट है, साइकिल स्लो, हॉर्स टर्टल, हॉर्स फास्ट है, टर्टल स्लो। अब यहां क्या करना है हम लोगों को, लुक एट द पिक्चर, सेलेक्ट फास्ट, इफ इट मूव फास्ट सेलेक्ट स्लो, इट इज मूव स्लो। अब हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर जो जितने भी पिक्चर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो फास्ट हैं। सो चिल्ड्रन, ये कंपैरिजन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपना ये लेसन। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट, उनके साइज, उनके वेट, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने कंपेयर किया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।